हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ खुशी। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आने वाला है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल भी रहेगा ये वीडियो। तो प्लीज़ दोस्तों, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना। तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे आइडियाज शेयर करने वाले हैं कि जो हमारे पास छोटे छोटे कुछ कपड़े के टुकड़े रहते हैं ऐसे ही, यानी कि ब्लाउज पीस होते हैं, कुछ ड्रेस के मटेरियल होते हैं, उनमें से छोटे टुकड़े बचते हैं, तो उनका यूज़ करके हम खूबसूरत से और नई डिज़ाइन के कुर्तियां हैं, जैसे श्रग है, कोटी है, वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे मेरी कुर्तियाँ हैं वो आपको आज दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से आप यहाँ पर खूबसूरत सी डिज़ाइनें कर सकते हैं। तो ये है फर्स्ट वाली। तो ये कुर्ती आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो है, जो बीच का जो कपड़ा है व्हाइट कलर का, वो है चिकन का। यहाँ पर देखिए, ये पूरा चिकन वर्क है और कॉटन का है। और जो साइड में आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, वो है सिल्क का और फुल शाइनिंग कपड़ा है। तो मेरे पास ये जो बीच का कपड़ा था वो मैंने प्लाजो के लिए लिया था, तो प्लाजो मैंने बनाया, उसके बाद इतना ही कपड़ा बचा था, तो उसमें से मैं पूरी कुर्ती तो नहीं बना सकती थी। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि ये जो ब्लू कलर के फ्लावर है उनके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ब्लू कलर लिया है। तो व्हाइट का और ब्लू का कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो कुर्ती है वो मेरी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, क्योंकि कभी कभी कलर से भी अच्छे लगते हैं कपड़े। तो ब्लू कलर और व्हाइट कलर के कपड़े ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कुर्ती है वो मेरी दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है। तो इसके साथ मैं ये जो सेम कपड़ा है, मेरा प्लाजो है इसी कपड़े का, वो मैं इसके साथ पहनती हूँ, तो इसका जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा आता है। तो ये थी हमारी पहली कुर्ती। दोस्तों, ये जो मेरी कुर्ती है उसका वीडियो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है। ये मेरी सबसे फेवरेट वाली कुर्ती है, तो ये मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था। यहाँ पर देखिए, ये पूरा प्लेन कपड़ा है ब्लू कलर का, मेरे पास नहीं था, सिर्फ मेरे पास ये डिज़ाइनर जो हैवी वर्क वाली स्लीव है वही थी, क्योंकि ये ब्लाउज के साथ आई थी और इतना हैवी ब्लाउज मुझे नहीं बनाना था। तो मैंने क्या किया, ऐसे ही स्लीव को रहने दिया और सेम इसके कलर का मैचिंग कपड़ा मैंने ब्लू कलर का बाजार से लिया। और ये देखिए, इसके साथ ये सिर्फ स्लीव ही अटैच की है हैवी। तो आप देख सकते हैं कि ये कुर्ती का कितना प्यारा लुक आ रहा है सिर्फ हैवी स्लीव से, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी हैवी कुर्तियां होती है जिसमें सिर्फ स्लीव होती है, वही हैवी होती है, बाकी के जो कपड़ा है वो प्लेन होता है। तो इससे पहनने के बाद इसका लुक है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी आ जाता है और पहनने के बाद भी इतना प्यारा लगता है आप सोच भी नहीं सकते हैं। मेरी ऐसी काफ़ी सारी कुर्तियाँ होती हैं जो लगभग, तो ऐसी ही कुर्तियाँ हैं जो एक कलर की नहीं होती है, मिक्सन मैच कलर की होती है, और मैं खुद भी बनाती हूँ तो काफ़ी सारी मेरी ऐसी कुर्तियाँ होती है, क्योंकि मेरे पास ऐसे कई सारे टुकड़े पड़े रहते हैं, तो मैं उसमें से इस तरह से खूबसूरत सी कुर्तियाँ क्रिएट करती रहती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका बहुत ही ज़्यादा प्यारा वर्क था, तो इसमें से हमने बहुत सा अच्छी एकदम से प्यारी कुर्ती हमने यहाँ पर बनाई है। तो ये कुर्ती आपको कैसी लगी है वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ये मेरी सबसे फेवरेट कुर्ती है, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद नेक्स्ट कुर्ती मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, आगे मैंने जो कुर्ती दिखाई उसमें मैंने स्लीव थी वो हैवी की थी और बाकी का जो फैब्रिक था वो मैंने प्लेन रखा था। और यहाँ पर मैंने क्या किया है कि यही सेम स्लीव का ही कपड़ा है, यहाँ पर देखिए ये सेम कपड़ा है। तो अभी एक तो मैंने हैवी स्लीव वाली कुर्ती बनाई थी, फिर भी इतना सा कपड़ा बच गया था, तो मैंने यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट है वहाँ पर इस तरह से ये पेज की तरह मैंने बनाकर इसे लगाया है और बाकी का जो घेरा है उसे ऐसे ही प्लेन रहने दिया है। तो यहाँ पर ये गोल्डन कलर का वर्क था, तो इसलिए मैंने उसके अकॉर्डिंग ये कलर का मैंने फैब्रिक लिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये कुर्ती का लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारा आ रहा है।
आपको कलर पहचानना है कि किसके साथ कौन सा कलर सेट होगा, तो उससे आपकी कुर्ती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो है ना, ये बहुत ही बढ़िया आइडिया, क्योंकि ये सिंपल कपड़ा था, ऐसे ही अगर आप इसकी कुर्ती बनाते तो इतनी खूबसूरत नहीं लगती। लेकिन इसके साथ मैंने ये हैवी लुक वाला जो पेच था वो अटैच किया, उसके कारण ये कुर्ती है उसका लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारा आ गया है। उसके बाद ऐसी ही एक कुर्ती, ये देखिए, ये फैब्रिक इतना नहीं था और नीचे भी, ये मैंने रेडीमेड ली है, ये कुर्ती मैंने घर पर क्रिएट नहीं की है। आगे मैंने जो कुर्तियाँ दिखाई वो मैंने घर पर क्रिएट की थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर का ये जो ब्लू कलर का वर्क वाला बहुत ही प्यारा ये पेज है बीच में, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और नीचे की ओर पूरा डिजाइनर, ये नीचे का जो फैब्रिक है वो है, ऊपर एकदम प्लेन है और नीचे डिजाइनर पीस और कपड़ा लिया हुआ है। तो इस तरह से भी बहुत ही प्यारी कुर्तियाँ लगती है। तो ये भी एक कम कपड़े में से हम बना सकते हैं। वही आइडिया है कि हमारे पास इस तरह का प्लेन और डिजाइनर दोनों कपड़ा है, तो उसमें से भी हम खूबसूरत सी कुर्ती इस तरह की बना। जो आपको कुर्ती दिखा रही हूँ वो कम कपड़े में से तो नहीं है, लेकिन सिंपल कपड़ा है, उसमें आप हैवी लुक कैसे दे सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो ब्लू कलर का था वो बिल्कुल प्लेन और एकदम सिंपल कपड़ा है, तो उसमें हैवी लुक देने के लिए क्या किया है, तो ये डिजाइनर कपड़ा है उसे ऊपर की ओर इस तरह से अटैच कर दिया है। तो ये कुर्ती पहनने के बाद ऐसी लगेगी कि आपने मानो जैसे ऊपर स्कर्ट पहना हो, यानी कि कोटी पहन ली हो। तो यहाँ पर ये फुल कोटी की तरह ये आ जाता है, तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। और इसकी जो स्लीव है वो भी डिजाइनर स्लीव की हुई है, और बैक साइड में पूरा प्लेन है, आगे की ओर ही सिर्फ डिजाइनर ये कपड़ा लगाया हुआ है। तो इस कुर्ती का लुक है वो बहुत ही ज्यादा हैवी आ जाता है। तो ये वैसे तो ऐसे में ये कुर्ती बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, क्योंकि इसका कलर कॉम्बिनेशन और जो ऊपर का जो ये डिज़ाइनर फैब्रिक है उसकी डिज़ाइन और कलर भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो आप देख सकते हैं ये कुर्ती कितनी हैवी लग रही है, तो मुझे भी ये कुर्ती बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह से भी आपके पास प्लेन कपड़ा है और उसे डिजाइनर बनाना चाहते हैं, तो इस तरह से भी आप कुर्ती क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप बाहर टेलर के पास सिलवाना चाहते हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट आइडिया है, और अगर आप घर पर ही क्रिएट कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट आइडिया है। तो आप इस तरह से डिजाइनर कुर्तियाँ क्रिएट कर सकते हो। तो ऐसा ही एक और आइडिया, ये देखिए, इसमें भी स्रक की तरह ही किया हुआ है। पूरी कुर्ती प्लेन थी, उसमें ये ऊपर से ये वर्क वाला फैब्रिक अटैच किया हुआ है, जिससे ये कुर्ती का लुक और भी प्यारा आ रहा है, और इसका कलर भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। मुझे ये पहली नज़र में देखते ही पसंद आ गई थी, लेकिन मैंने इतनी बार इसे नहीं पहना है, क्योंकि ये जो ऊपर का फैब्रिक था वो इतना अच्छा नहीं था, जिसके कारण ये जो मेरी कुर्ती थी उसमें यहाँ पर देखिए इस तरह से चुनटें आ जा रही हैं, तो मैंने इतनी बार इसे नहीं पहन सकी हूँ। लेकिन मुझे ये कुर्ती बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप इस तरह से क्रिएट कर रहे हैं तो आपकी कुर्ती है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगेगी। तो इसका कलर भी बहुत ही अच्छा है और इसका वर्क भी बहुत ही प्यारा है। तो इस टाइप के वर्क वाली और इस टाइप की पैटर्न की आप कुर्ती बना सकते हो। तो दोस्तों, ये कुर्ती भी मैंने घर पर ही क्रिएट की है। आप इसका कलर देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा कलर है, क्योंकि डार्क कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो कभी भी आप कोई भी फंक्शन में पहन सकते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं, अगर डे हो या नाइट हो। तो ये बिल्कुल ही प्लेन कपड़ा था, देखिए मेरे पास ऐसे ही पड़ा था ये कपड़ा बहुत टाइम से। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इसका क्या करूँ, तो मेरे पास ये बहुत कपड़ा था, तो इसमें से मैंने नीचे पैंट भी बनाई और ये कुर्ता बनाया। फिर कुर्ता बहुत ज़्यादा प्लेन लग रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पर देखिए ये तीन पेचेस लगाए हैं, जो साड़ी के बॉर्डर आते हैं लेस, उसका यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। ये साड़ी की लेस थी, उसमें से मैंने इतने तीन जो छोटे छोटे पेच हैं वो बनाए हैं और यहाँ पर उसे अटैच किए हुए हैं। तो ये साड़ी के जो लेस थी उसके जो पेच बनाए हैं, ये बहुत ही जो कुर्ती का लुक है उसे बहुत ही प्यारा लुक दे रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही है ये कुर्ती। तो इसे कोई कह भी नहीं सकता है कि इतनी सिंपल कुर्ती होगी, क्योंकि पहनने के बाद इसका जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी आता है। तो मुझे ये कुर्ती पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसका कलर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और सबसे मेन बात कि ये पेच के कारण कुर्ती का लुक है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा आ जाता है। क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था कि ये कुर्ती इतनी अच्छी लगेगी, लेकिन पहनने के बाद जो इसका लुक है वो बहुत ही अलग आया, तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है अब ये कुर्ती।
तो दोस्तों ऐसे ही एक और कुर्ती, ये भी आप देख सकते हैं, पूरा प्लेन कपड़ा है, सिर्फ इसमें दो पेचेस ही अटैच किए हुए हैं, फिर भी ये कुर्ती का लुक इतना प्यारा आ रहा है, क्योंकि ये कपड़ा सिंपल था लेकिन ये जो पेच थे वो बहुत ही ज़्यादा हैवी थे। तो ये पेच तो पूरा अटैच किया हुआ है और इस पेच में यहाँ पर पॉकेट बना दिया है, तो उसे पॉकेट भी बन गया कुर्ती में, पॉकेट वाली डिज़ाइन भी हो गई और दो पेचेस भी आ गए। तो इस तरह से आप बाजार से इस तरह से रेडीमेड पेच मिल जाते हैं, या तो आप, मैंने जैसे आगे दिखाया कि ब्लाउज पीस में से मैंने यूज़ किया था, तो ऐसे ही अगर आपके पास भी पेचेस पड़े हुए होते हैं तो उसमें से भी आप इस तरह से खूबसूरत सी कुर्तियां डिजाइन कर सकते हैं। क्योंकि ये पर्सनली मैं कह रही हूँ, पहनने के बाद इस तरह की जो सिंपल कुर्तियां होती है उसका लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारा आता है। मेरे पास काफ़ी सारी ऐसी कुर्तियां हैं कि जो मैं हमेशा सिंपल ही लेती हूँ, जो बहुत ज़्यादा हैवी वर्क भी हो। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आई होप कि आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि अक्सर हमारे पास ऐसे कपड़े पड़े रहते हैं तो उसमें से हम बहुत ही अच्छे से क्रिएट करके हम हमारे कपड़े सिलवा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।